गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेंज करना है। अच्छा, इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी फॉर्मूले की अगर एक्यूरेसी चेक कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, जैसे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना, लेफ्ट हैंड साइड 8.4 की एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, लेफ्ट हैंड साइड देखे चल रहे थे और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी होती थी। जब लेफ्ट और राइट दोनों को जैसे तो क्वेश्चन क्रैक होता था हमारा, वैसे ही अगर इस क्रैक एक्यूरेसी को फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक करना है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले को राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर अगर मिल जाता है तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले के अगर बराबर आ जाता है तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। यही है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझ आया ना, ऐसे समझ नहीं आया। देखो, 9वीं क्लास में आपने तीन इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, b = u + ad, v² - u² = 2as और s = ut + ½ ad² ये तीन इक्वेशन आपने पढ़ी। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूले के बराबर आ जाता है तो ये फॉर्मूले करेक्ट है, अदरवाइज ये फॉर्मूले इनकरेक्ट है। तो हम चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूले करेक्ट है, कभी हम गलत तो नहीं पढ़ते आ रहे। ठीक है, ये तीन एग्जांपल है, इनमें से एक एग्जांपल समझाऊंगा, बीच होना बाकी आपको दो करके देखने। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लूं, इसकी करेक्टनेस चेक करूं, v² - u² = 2s, पेपर में ऐसे आएगा, चेक द करेक्टनेस, करेक्टनेस चेक करो, v² - u² = 2as। ठीक है, कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला निकालने आने चाहिए। अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालने आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की निकालो, राइट हैंड साइड की निकालो, अगर बराबर आते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, और एक बात ये पता होनी चाहिए, देखो v क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी और u होती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल का कोई फंडा नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए दोनों की दोनों है तो वेलोसिटी ही। अब इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम निकलेगा दोनों का। अच्छा, a एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। ठीक है, अब देखो, गिवन v² - u² = 2s दे रखे हैं, अगर राइटिंग का डायमेंशन डायरेक्शन की पॉइंट के पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, v² - u² बताओ, समझ में आया नहीं आया। v और u क्या है, वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू displacement by time, velocity का होता है distance by time कर लो या displacement by time कर लो। देखो, अगर distance by time होगे तो speed कल आएगी और displacement by time होगे तो velocity कल आएगी। ठीक है, यही speed और velocity का अंतर है, बाकी speed और velocity एक चीज होती है, बस अंतर यही है, velocity का direction होता है और speed का direction भी होता है। ठीक है, चलो आज हम velocity क्या होती है, displacement by time। अब displacement रास्ता किसमें मापा जाएगा, length में, और टाइम t में। तो डायमेंशन फार्मूला क्या बना, वेलोसिटी का l और t की पावर माइनस 1 ऊपर चला गया। ठीक है, तो l t माइनस 1, तो देखो v का डायमेंशन फार्मूला l t माइनस 1 और इसकी पावर 2, क्योंकि v स्क्वायर है, u का v ही बनेगा, है तो वेलोसिटी ही, l t माइनस 1 और इसकी पावर 2, बताओ समझ में आया क्या है। ठीक है, यहां का मैथमेटिक्स थोड़ा अलग है, फिजिक्स का मैथ का अलग है, यहाँ का थोड़ा अलग है मैथमेटिक्स, देखो आगे समझ में आएगा। अब देखो, इसका स्क्वायर एल की दो टी की पावर माइनस दो, अगर पावर हम नीचे ले आओ तो एल की दो माइनस टी की दो। फिजिक्स का मैथमेटिक्स ऐसे बनेगा, अगर सेम है, अगर सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या सेम में सेम ऐड कर रहा हूं तो सेम नहीं मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है, कभी ये मत कर दो इसको इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, चेकिंग द एक्यूरेसी में अगर सेम है और सेम में से ही सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो सेम ही मिलेगा, यानी s के t - 2 l 2 t - 2 से घटाऊंगा सेम है तो l 2 t - 2
सेम ही मिलेगा, ठीक है, बस यही बात है, हर एक फॉर्मूले में यही, ये मत सोचियो कि ये नियम नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा, अगर सेम है तो सेम सब्ट्रैक्ट करो तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। ये तो मिल गया हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या है, 2as, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डायमीटर फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, a का होगा एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी को भी तोड़ना पड़ेगा, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पहले था एक वेलोसिटी वाला ले लेंगे, यानी टाइम का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में और टाइम t माइनस 2, तो देखो एक्सेलरेशन का m t माइनस 2 और इनटू s, s क्या है डिस्टेंस यानी कि l, लेंथ में वापस आएगा, एक ये रही, एक ये रही, l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड रही, ये राइट हैंड साइड रही, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही रही, तो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको पहला और तीसरा ये वाले दोनों करके देखते हैं, नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं करवा सकूं, ठीक है, थैंक यू।